लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। पवई के सिमरिया कस्बे में शुक्रवार देर रात बच्चों के विवाद में दो गुटों में हुआ जमकर बवाल। इस विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद बनी तनाव की स्थिति। खरगोन में अपहरण और नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सेगांव के ग्राम मुकातीपुरा में रहने वाले संजय पिता कैलाश मुकाती ने युवाओं को स्वच्छता एवं फिट रहने का दिया संदेश। इंदौर से सेगांव तक नॉनस्टॉप 150 किलोमीटर की मैराथन दौड़ की प्रारंभ। पवई के सिमरिया कस्बे में शुक्रवार देर रात बच्चों के विवाद के बाद दो गुटों में जमकर बवाल हुआ। इस विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और देखते ही देखते कस्बे में तनाव की स्थिति बन गई। आनन फानन में पुलिस ने पवई, रैपुरा, अमानगंज, सुनवानी और दमोह जिले से पुलिस बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराजगंज निवासी राम सिंह की फैजल खान के परिवार से विवाद के बाद मारपीट हुई और बाद में बुलेरो गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। इस बर्बर हत्याकांड के बाद से तनाव का माहौल निर्मित हो गया था। अब पुलिस ने फैजल के परिवार और इस हत्याकांड से जुड़े सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और रात भर चले धरपकड़ अभियान के बाद स्थिति नियंत्रण में है। वहीं राम सिंह का पोस्टमार्टम पन्ना जिला चिकित्सालय में कराया गया और स्थिति को नियंत्रित रखने और त्यौहार के एक दिन पूर्व घटी इस घटना के बाद से शांति निर्मित करने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। SP मयंक अवस्थी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पवई से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सिमरिया में कल दो पक्षों में विवाद हुआ था। परिवार जो अगल बगल रहते थे, बच्चों की लड़ाई को लेकर परिजनों में विवाद हो गया, जिस पर से विवाद दिखाया और उसमें तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई स्थलांतर में। इस पर से तत्काल पुलिस ने संबंधित जो लोग थे उनकी रिपोर्ट पर से प्रकरण दर्ज कर लिया है। 307 IPC का 7 लाख नाम का प्रकरण दर्ज हुआ था और रात में हमने लगातार धरपकड़ अभियान जारी कर दिया था। इस पर से सभी 7 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है और मर्ग निर्देश प्राप्त होकर हम 302 IPC में धारा तरमीम कर रहे हैं। इलाके में काफ़ी शांति है और पुलिस की कार्रवाई समय पर हो चुकी है और आगे हम इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी जल्दी करेंगे। खरगोन में अपहरण और नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। कुमारवाड़ा इलाके में रहने वाले मुकीम शेख की पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुकीम का निकाह ताजिया नामक लड़की से हुआ। उसके घर पर 15 वर्षीय बहन का आना जाना था। ताजिया की बहन को मुकीम ने अपने चंगुल में फंसा लिया और उसे भगा कर ले गया। मामले के बाद फरियादी ताजिया की सूचना पर पुलिस ने आरोपी मुकीम को महाराष्ट्र से धर दबोचा। पूरे मामले का खुलासा करके थाना प्रभारी ललित सिंह डागू ने बताया कि आरोपी की पहली और दूसरी पत्नी के 4 बच्चे हैं। मीडिया से रूबरू थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि नाबालिग को भगा ले जाते समय अपने साथ 3 वर्षीय बेटे को भी ले गया ताकि नई जगह नाबालिका के साथ रहने से आरोपी पर किसी को कोई शंका ना हो। पुलिस ने मामले को लेकर नाबालिग के अपहरण और बलात्कार की धाराओं के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। कुमारवाड़ा मोहल्ला है जहाँ पे 24 तारीख को महिला मुस्लिम समाज की महिला तंजिया थाने पर आई और उसने बहुत ही एक गंभीर मामला बताया। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका 3 वर्षीय पुत्र गायब है और साथ में उसकी जो बहन उसके साथ रहती है, नाबालिग बहन 15 वर्षीय गायब है। और इस पर से उसने जब पता किया तो उसको खुद को भी ये पता लगा कि उसमें उसके पति का हाथ हो सकता है। इस पर अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम गठित की। जब इसका पता किया गया तो जानकारी ये मिली कि स्वयं उसके पति, जो उसकी पूर्व में भी एक पत्नी थी, ये दूसरी पत्नी थी, पहले से ही 4 बच्चे हैं, अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को जो जिसका वो जीजा लगता था और छोटे बच्चों को लेकर नंदुरबार महाराष्ट्र में उसकी जानकारी मिली, जहां से पुलिस टीम उसको पकड़ के लाई है। बच्ची को उसकी बहन के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। 3 धाराओं का इसमें पॉक्सो एक्ट के साथ 363 अपहरण और बलात्कार की धाराएं लगाई।
सेगांव के ग्राम मुकातीपुरा में रहने वाला संजय पिता कैलाश मुकाती ने युवाओं को स्वच्छता एवं फिट रहने का संदेश देते हुए शुक्रवार रात्रि 8 बजे इंदौर से सेगांव तक नॉनस्टॉप 150 किलोमीटर की मैराथन दौड़ प्रारंभ की। यात्रा 24 घंटे में सेगांव पहुंची, जहां संजय ने अपने परिजनों मित्रों के साथ देवी लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद नगर के मुख्य मार्ग से गुजर रहे संजय का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संजय मुकाती ने बताया कि दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में 6 राज्यों से 16 जिलों के खिलाड़ियों ने मैराथन में भाग लिया। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। किलोमीटर दौड़े आप? मैंने कल खजराना से स्टार्ट करी, अक्षय कुमार ने मतलब लाइव हरी झंडी दिखाई थी और 150 किलोमीटर पूरी कंप्लीट करके यहाँ पे आया हूँ माता जी के मंदिर में। मैं और मेरा संकल्प था कि यहाँ के आशीर्वाद है कि मेरा जो 150 किलोमीटर का था वो पूरी करूँगा। और इसी के साथ अब मतलब रनिंग कंप्लीट करी तो अक्षय कुमार मतलब कुल उनके हाथों से मतलब मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। और मेरा मतलब एक ये भी उद्देश्य था कि मतलब हमारा सेगांव खरगोन जिला स्वस्थ और फिट रहे, और युवाओं को एक मतलब मैसेज देना चाहता था कि हमारी उम्र के युवाओं को मतलब एक मतलब हर काम एक आसान है अगर मन में ठान लिया जाए। और मेरा नेक्स्ट टारगेट मलेशिया का है, गोल्ड मेडल दिला के मैं अपने जिले प्रदेश एवं तहसील का नाम रोशन कर सकता हूँ। कब जा रहे हैं मलेशिया आप? हाँ, नेक्स्ट मंथ। आगे और क्या क्या आपकी इच्छा है? आगे बस ये अगर मलेशिया का गोल्ड मेडल जीत लिया है तो मतलब नेशनल प्लेयर का ये सारी चीज़ों के लिए आप किनको समय देंगे? मैं सबसे पहले तो मैं मेरी फैमिली को देना चाहता हूँ, फिर हमारे डॉक्टर गोविंद मुजाले, इन्होंने भी मतलब बीच बीच में फोन लगा के बहुत ज़्यादा मतलब आत्मविश्वास बढ़ाए हैं, जैसे हमारे अंकल हैं। और मैं मतलब जहाँ पे जॉब करता था अभी तो नहीं करता हूँ, वहाँ से भी मतलब उनको कितने घंटे में आपने ये 150 किलोमीटर की पैदल दौड़ ली है? मुझे टारगेट दिया गया था 16 घंटे का और मैंने मतलब 15 घंटे में कम्प्लीट कर ली, 15 घंटे भी नहीं लगे। अच्छा, ये दौड़ का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इंदौर से सेगांव? इंदौर से ही मिली, मैं जॉब करता था तो वहाँ से मेरा स्टार्टअप था, मतलब मुझे ऐसे ही खड़ा कर दिया था कि ये मतलब दौड़ सकता है, तो मैं वहीं से पहली बार ही मतलब दौड़ा और फर्स्ट आ गया। पंधाना के बस स्टैंड क्षेत्र में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी ही जाम की स्थिति धनतेरस के दिन बस स्टैंड क्षेत्र में देखने को मिली, जहां एक और दिवाली त्यौहार की भीड़भाड़ थी, वहीं बेतरतीबी वाहन निकालने से यातायात अवरुद्ध हो गया और जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। मीडिया कर्मियों ने पुलिस स्टेशन को अवगत कराया, तब जाकर कहीं पुलिस कर्मियों ने आकर यातायात को सुचारू किया। पंधाना से असलम खान की रिपोर्ट। दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस स्टेशन पंधाना में एसडीएम अनुभा जैन के मार्गदर्शन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दीपोत्सव हर्षोल्लास एवं शांति से मनाने की अपील की गई। एसडीएम अनुभा जैन ने नगरवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले दिनों नगर में ईद, बकरीद, मोहर्रम, गणेश उत्सव, नवदुर्गा एवं दशहरे जैसे सभी त्यौहार आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के साथ मनाएं। इसी तरह दीपोत्सव भी मनाएं, एहतियात बरतते हुए सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी खुली जगह में की जाए, खासकर बच्चों को फटाखों से दूर रखें एवं उनके द्वारा फटाखे जलाए जाने पर उनके समीप ही रहे। साथ ही रेती एवं पानी की व्यवस्था प्रत्येक घर में की जाना चाहिए। पंधाना से असलम खान की रिपोर्ट। दीपावली त्यौहार को लेके प्रशासन ने क्या तैयारी की और मार्केट में जो मिठाई की जो सैंपल वगैरह का इस बार जो जाना चाहिए? अभी हमने पटाखों की दुकानें थी, सबसे पहले सुबह जाके जांच करी थी और उसमें हमने पाया था कि दो पटाखों की दुकानों के बीच में जो दूरी 3 मीटर की होनी चाहिए थी वो नहीं पाई गई थी, तो उसके बाद हमने दुकानदार को निर्देश दिए थे कि वो उस दूरी को बनाए और उनको निर्देश दिए थे कि आज शाम तक वो अपनी दुकानों के बीच की दूरी बढ़ा दें। अभी दीपावली के मध्य में जो मिठाइयों की दुकानें लगती हैं तो उन मिठाइयों की दुकानों में हमने सैंपल लेके कार्रवाई करी है ताकि जनता के साथ गुणवत्ता को लेकर कोई छेड़छाड़ी ना हो सके। तो हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि जनता के पास जो भी मिठाई का सामान या जो भी खाद्य पदार्थ पहुंच रहा है वो उच्च क्वालिटी का रहे, उसकी गुणवत्ता के साथ कोई भी छेड़छाड़ी ना हो। इस वजह से हमने आज सैंपल लेके जांच की है और ये जो जांच की कार्यवाही है ये त्यौहार ख़त्म होने के बाद भी जारी है। कुछ सैंपल में कुछ कमियाँ पाई गई क्या मैडम? जाँच की है, हमारे निरीक्षक साहब ने उसके सैंपल बनाए हैं और इसकी भोपाल की बाद जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जाँच सैंपल जो है वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अभी हमने मावा, दूध और मिठाइयों की वो सैंपल लिए हैं।
पांच दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर शुक्रवार को धनतेरस से हो चुकी है। व्यवसायियों ने अपनी दुकानों, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, आभूषण, ऑटोमोबाइल शोरूम सहित अपने प्रतिष्ठानों पर रंग बिरंगी विद्युत साज सजा कर जगमगा रखी है। व्यवसायियों को धनतेरस पर काफी उम्मीद रहती है, लेकिन लगातार 4-5 दिन हुई हल्की बारिश ने दीपावली पर्व को मानो फीका ही कर दिया। हालांकि बाजारों में रौनक और खासी भीड़ देखी गई। धनतेरस पर पंधाना नगर की किराना, फटाके, होटल एवं कपड़ा दुकानों पर काफी चहल पहल नजर आई। धनतेरस पर सभी लोगों ने बड़ी संख्या में मिट्टी के दीपक, मिट्टी की लक्ष्मी प्रतिमाएं, धानी पोस्टर एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त की। पंधाना से असलम खान की रिपोर्ट। पंधाना SDM अनुहा जैन, तहसीलदार विजय सेनानी एवं खाद्य निरीक्षक राधेश्याम गोले ने पंधाना बस स्टैंड स्थित होटलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे गए। अब देखना होगा कि किस पर क्या कार्रवाई होती है। गौरतलब है कि पंधाना होटलों में गंदगी का साम्राज्य हमेशा बना रहता है। वर्षों से खाद्य सामग्री खुली ही बेची जा रही है। नगर के होटलों में खाद्य सामग्री पर मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े प्रत्यक्ष रूप से कभी भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही होटलों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क मार्ग तक बह रहा है, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंधाना से असलम खान की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।